हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू सेशन विद अपडेट। सैमसंग लॉन्च करता है अपना खुद का मेटावर्स प्लेटफॉर्म स्पेस टाइकून। शिबा इन्यू कंटिन्यू करता है अपनी ग्रोथ में और मार्केट कैप के मामले में पॉलीगॉन को ओवरटेक करता है। इथेरियम सक्सेसफुली अपना सपोर्ट लाइन तक पहुंचता है जो कि करीब $1,030 है, जो कि 24 घंटे में करीब 5% का गेन्स लेता है। अब बात करते हैं फर्स्ट न्यूज के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैमसंग एक इलेक्ट्रॉनिक जायंट है, इसने हाल ही में अनाउंस किया कि वो अपना खुद का मेटावर्स प्लेटफॉर्म लेके आएगा स्पेस टाइकून के नाम से। ये एक तरह से उसके यूजर्स के लिए एक वर्चुअल एक्सपीरियंस बिल्ड करने वाला है ग्लोबल मेटावर्स प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स के साथ। स्पेस टाइकून बिल्ड किया जा रहा है ताकि अपने जनरेशन जेड यूजर्स को एंटरटेन कर सके। सैमसंग इसे होस्ट किया जाएगा एज अ वर्चुअल स्पेस, जिसे कि यूजर अपना खुद का गेम प्ले कर सकते हैं, खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं थ्रू सैमसंग प्रोडक्ट्स। मेटावर्स एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर को अलाउ करता है कि वो अपने खुद के स्पेस स्टेशन पे रिसोर्सेज को गैदर करके सैमसंग प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सके, साथ ही साथ बाइंग इन गेम आइटम्स को भी अवतार के थ्रू यूज कर सके। स्पीकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए इनके वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि वो अपने जनरेशन जेड के कस्टमर के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस लाना चाहते हैं मेटावर्स के थ्रू, ताकि वो मोर मीनिंगफुल और एंटरटेनिंग डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके अपने यूजर्स को। सैमसंग की तरफ से गेमिंग और एंटरटेनमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, और देखा जाए तो कंपनी की तरफ से NFT प्लेटफॉर्म से भी कई टाइप हुए हैं, जैसे कि निफ्टी गेटवे के साथ टाइप किया गया इस ईयर में। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है कि NFT के थ्रू सैमसंग स्मार्ट टीवी को परफॉर्म किया जा सके। कंपनी की तरफ से बहुत सारे ग्रुप्स में भी इन्वेस्टमेंट किए गए जो मेटावर्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, और अप्रैल में कोरियन बेस्ड मेटावर्स कंपनी BB के साथ मिलकर सीरियस ए की फंडिंग भी की गई थी सैमसंग के थ्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं शिबा इनू एक मीम कॉइन है, और कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लो आ रहा है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप के मामले में इसने मैटिक जो कि पॉलीगॉन का नेटिव टोकन है उसको भी पछाड़ दिया है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो शिबा का टोटल मार्केट कैप करीब $5.6 बिलियन के करीब है और मैटिक का करीब $4.5 बिलियन के करीब। और शिबा इनू की अगर बात करें तो 14th रैंक आता है क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में, और टॉप गेनर्स में भी अगर देखा जाए तो शिबा इनू के प्राइस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है, और जिसकी इन्वेस्टर वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से बढ़ती चली आ रही है। और अगर मैटिक की बात करें जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है, वो अपना जो प्रेजेंट प्राइस दिखा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है क्रिप्टो मार्केट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। इथेरियम जो कि वर्ल्ड की सेकेंड टॉप क्रिप्टो करेंसी है, उसमें हाल ही में प्राइस में थोड़ा सा पम्प देखा गया जो कि करीब 5% करीब है पिछले 24 घंटे में, बट ये वो इसे एक सपोर्ट लेवल पे ले जाके लाए करता है जो कि करीब $1,030 के करीब है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक स्टेबल वाली सिचुएशन दिख रही है इथेरियम के मामले में, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक पहुंचा है इथेरियम। जैसा कि हम सब जानते हैं इस टाइम वॉलेटाइल मार्केट हो रखा है, कॉइन्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द जो टॉप कॉइन से लेके ऑल कॉइन सब में हमें डम देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे इस सपोर्ट लेवल तक पहुंचना और उसके बीच में इथेरियम का लाया करना एक अच्छी चीज को इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है जो बाइंग पावर है बोल सी वो कहीं ना कहीं इस प्राइस को थोड़ा पंप करने में मदद कर सके, साथ ही साथ जो सपोर्ट लेवल है वो भी अच्छा बनता दिख रहा है। और हिस्टोरिक प्राइस सपोर्ट की बात करें तो इस सपोर्ट के बाद बाउंस बैक पिछले अगर हिस्ट्री की बात करें तो देखा गया है, तो एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है इथेरियम के मामले में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, टू लाइक द वीडियो, थैंक यू।